कि हमारी कानपुर की मट्टी में कुछ कला है, हमारे अंदर कला नहीं, हम नहीं मानी, हम अब भी नहीं माने कि हम कुछ हैं। हमारी जिस जिस पूछो जाके उनके अंदर भी वही मौका तो दो, बोले ना दे तो ये तो क्या वक्त। राजू भैया हमारे बड़े अभिन्न मित्र थे, हो सकता है अगर आज वो होते तो वो भी ये किताब ऐसे लिए बैठे हो, वो भी पर्यावरण के प्रति बहुत जुझारू थे। तो हम 10 कॉलेज में पढ़ा लेकिन फेल होते रहे, तो फिर हम चिया के चुप पर बैठ गए। हमने कहा भूल गई शादी की उम्र, सारे शादी करी जाए। कई लौंडे तो हाई स्कूल के हमें मास्टर समझने लगते थे, ये सोचते थे मास्टर साहब आ गए तो बदमाशी कर रहे होते, बैठ जाते थे उन्हीं के साथ, हम बैठते वही सब पास हुई चले गए, हम पहले पहले बज रहे। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही हंसमुख और बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व है, और हम और आप सभी उनको अच्छे से जानते हैं। आजकल वे पूरे बॉलीवुड पर भी राज कर रहे हैं और इसके साथ ही कानपुर के एक नगीने हैं। कानपुर शहर जहाँ से कि हास्य व्यंग के बहुत बड़े कलाकार राजू श्रीवास्तव ने भी वहीं पर जन्म लिया था, और कानपुर इसके अलावा कई शख्सियतों का जन्मदाता रहा है। उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है और कई सीरियल्स में भी काम किया है। भाभी जी घर पर है वो सीरियल्स काफी फेमस है सीरियल। एक्शन मनमोहन, एक तो ये आदमी है ना अपने आप को राजा मुराद समझता है, तुमसे हम शुरू से कह रहे थे इससे बचे रहो, इससे बच के रहो, तुम्हारे जो है ना तुम्हारी संगत कुसंगत होगा, तुम देखो ये आंखी से देखने सुनो। तो मैं ऐसी शख्सियत से आपको आज मिलवाता हूँ जिनसे कि मैंने उनके घर पर ही उनसे मुलाकात करी और उनसे उनके अनछुए पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश करी। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी है श्री अन्नू अवस्थी। कानपुर से बोल रहे अन्नू अवस्थी, पहचान तो गए हुई हो। कहाँ चल दिए बैलेंटाइन के भाई? 100 बार कहा पीछे से न टोका करो, जा रहे वैलेंटाइन डे मनाने। मेरी जिंदगी से जाने क्या लोगे तुम। अफ्रीका में कौन से गांव से हो तुम? हम तो यहाँ भारत में उन्नाव जिला पड़ता है वहाँ के हैं। चाहे कोई चला जाए बस लाइट ना जाए, हे प्रभु। ये समाज की उसको आपने उठाया अपने संवाद से, अपने कला से, तो ये कैसे आपके अंदर किस तरीके से आपने है? ये देखिए हम शुरू तो किया रहा है मजाके मजाक में कि हम अपने लड़के का जनेऊ कर रहे हैं का एक ऑडियो बना हुआ रहा, इसे मजाक में बना दिया कि ये कार्ड जब छपेगा तो थोड़ा हंसी मजाक वाला रहे। फिर वो हम वीडियो डाल ऑडियो डाल दिया, 10-5 लोगों का चला गया, फिर वो 10-5 हज़ार और 10-5 लाख और फिर कई करोड़ लोगों में। तो क्योंकि हमारी कानपुर की मट्टी में कुछ कला है, हमारे अंदर कला नहीं, हम नहीं मानी, हम अब भी नहीं मानी कि हम कुछ हैं। हमारे कानपुर का पानी और मट्टी ऐसी है कि यहाँ हर आदमी के अंदर है, तो हमको मौका दे दिया कानपुर वालों ने, तो हम इतना कर रहे हैं। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई कला है और निकालने की ज़रूरत है, और हम खुदे खोज रहे हैं कि अन्नू अवस्थी 100-200 होने चाहिए कानपुर में। एक दो अन्नू अवस्थी और राजू श्रीवास्तव से काम न चली तो ये अपने आप है। आपकी ससुराल है कानपुर में, हमारी जिस जिस पूछो जाके उनके अंदर भी वही मौका तो दो, बोले ना दे तो ये तो क्या वक्त। नहीं बोलती हैं भैया को अच्छा। बोलती हैं पूरा मौका देते हैं। अच्छा 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 भैया, राजू श्रीवास्तव जी बहुत ही, वो भी बहुत बड़े कलाकार हैं, आपसे काफ़ी मतलब घरेलू आपसे घरेलू संबंध रहा है, तो राजू श्रीवास्तव जी से उनके बारे में आप क्या मतलब कहना चाहेंगे? उनसे आपको कहीं से प्रेरणा मिली, आपने कुछ सीखा उनसे? देखिए राजू भैया हमारे बड़े अभिन्न मित्र थे, हो सकता है अगर आज वो होते तो वो भी ये किताब ऐसे लिए बैठे होते, वो भी पर्यावरण के प्रति बहुत जुझारू थे। बहुत जल्दी चले गए, अभी उनको रहना चाहिए था, और बहुत प्रेरणा मिली उनसे। लोगों को हंसाना अपने आप में बहुत कठिन काम है, किसी को
चिड़चिड़वाना, बीपी बढ़ाना, गुस्सा दिलाना, रुलाना बड़ा सरल वो है, लेकिन किसी को हंसाना, हम जिस विषय को लेके आज आपको हंसा देंगे कल आप आओगे हम वही बात करेंगे आप नहीं हंसोगे। एक तो रोज कुछ नया चाहिए। अरे अन्नू अवस्थी बोल रहे नो, हम अपने भाई राजू भैया के पास आए नो, देखो हम आज भाई हैं बहुत खुश। और राजू भैया हमारे कानपुर ही नहीं उत्तर प्रदेश और भारत की शान थे, अच्छे कलाकार के अलावा बहुत अच्छे इंसान थे, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के, जैसे आपको पेड़ लगाने का शौक है वैसे उनको लोगों की मदद करने का शौक था, कहीं पानी का वो लगा दिया जो आता नहीं जमा ठंडा पानी निकलता है, किसी की शादी में कुछ दिया है, कहीं कुछ पेड़ अगर आप जुड़ते तो हो सकता 100-200 पेड़ आपसे लेते कहीं लगवाते, आपको दे के कहीं लगवाते, तो वो देवता इंसान थे और जल्दी चले गए हमारे यहाँ। कानपुर से राजू श्रीवास्तव बोल रहे हैं, पहचान तो गए हुई हो आपका भैया, आप कानपुर से हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी पढ़ाई लिखाई और ये सब कहाँ से हुआ है, जैसे कहाँ से आपने किस कॉलेज से किस स्कूल से? कॉलेज स्कूल तो हम रवींद्र विद्या मंदिर से अपनी पढ़ाई चालू किया, और कॉलेज कम से कम 10 बदला, 10 इसलिए बदला कि हाई स्कूल के बाद कॉलेजे में पढ़ते थे सेंटर, तो गुरु नानक कॉलेज में भी पढ़ा मेरा, फेल हुई गए, खालसा में पढ़ा फेल हुई गए, फिर ताराचंद इंटर कॉलेज सुइलिम पढ़ा फेल हुई गए, फिर वहन पढ़ा फतेहपुर में पढ़ा फेल हुई गए, खागा में पढ़ा, तो हम 10 कॉलेज में पढ़ा लेकिन फेल होते रहे, तो फिर हम छिया के चुप्पे बैठ गए, हमने कहा भूल गई शादी की उम्र साले, शादी करी जाए, कई लौंडे तो हाई स्कूल के हमें मास्टर समझने लगते, ये सोचते थे मास्टर साहब आ गए तो बदमाशी कर रहे होते बैठ जाते, फिर उन्हीं के साथ हम बैठते, वही सब पास हुई चले गए, हम साले पहले हो बच रहे। जिंदगी साली झंड हो गई है, कुंवारे आदमी सब सफल हैं, एक भी कुंवारा आदमी आपको असफल नहीं मिलेगा, और शादीशुदा आदमी 1000 असफल मिलेंगे। लेकिन आज आपने जो ऊंचाइयां हासिल की हैं अपनी कला के अंदर, तो आप फेल होने के बाद भी आदमी किस तरह से एक मुकाम सफलता का हासिल कर सकता है, उसके लिए आप एक मिसाल हैं, तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय में? देखिए फेल पास तो जीवन के पहलू में, कोई दो बच्चे होते हैं किसी माँ बाप के, एक बहुत तेज होता पढ़ने में, एक बहुत हल्का होता है, एक तो ईमानदारी हमेशा रखनी चाहिए हर विषय में, हम फेल हुए भले हुए गए साले, लेकिन हम पेपर ईमानदारी से देते थे, पेपर गोल नहीं करते थे पढ़ाई के समय गोल, ईमानदारी रखनी चाहिए, और कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हमें मैं फेल हुए गए तो पासे ना हो पाएंगे या खाली हाई स्कूल तक दुनिया है, तो अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए, रोज रोज काम न बदलने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमने देखा है अब भी मैदान में कि जागरण गाते हैं, अब उनने देखा अन्नू अवस्थी की फैन फॉलोइंग, अभी जागरण बंद करे स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, ठीक है गाना गाते हैं गाना बंद करके स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं एंकरिंग, तो रोज रोज फील्ड ना बदलें, जिस चीज़ में आपकी एक पहचान बन रही है उसी में बढ़ते जाएं, खाली स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं मशहूर हैं, कई भजन गायक बहुत मशहूर हैं, कई क्रिकेटर बहुत मशहूर, लेकिन आदमी को लगता है कि यार राजू श्रीवास्तव बड़े स्टैंड अप कॉमेडी से बढ़ गए, हम काहे गाना गाए, हम भी तो कर ले स्टैंड अप कॉमेडी में का, तो कभी भी अपना मार्ग न छोड़े, मेहनत करें, एक जगह डटे रहें। जिनपिंग की शांति योजना पर पुतिन राजी, समझ लो पुतिन और जिनपिंग तक शांति के लिए राजी हैं, लेकिन मेरी बीवी नहीं राजी है शांति के लिए, सुन रही हो? सब सुन रहे हैं। जिनपिंग और पुतिन जैसे लोग राजी हो गए शांति के लिए, तो जिनपिंग ना पुतिन बनो भी तो। अरे ये आपका पर्यावरण का है, इसमें कई ऐसे हमने YouTube खोला पर्यावरण के चाहने वाले, एक लोग तो पूरा पहाड़ काट डाले रास्ता बना देने, एक लोग बता रहे थे कितने 100 किलोमीटर नदी साफ कर डाले अकेले दम, तो कभी मशहूर नहीं भाई, मशहूर भाई आप उनको देखेंगे, तो कभी भी बेलाइन ना हो, अपना एक लाइन पे चलते रहो, और कामयाबी तो फिर मिलनी ही मिलनी है, तो उसके लिए हमारा जो भी भैया का चैनल देख रहे हैं एक लाइन पकड़ लो, अगर हलवाई की दुकान करे हो तो हलवाई की दुकान करे रहो, तुमका ये ना लगे
कि मिश्राइन भाभी का ब्यूटी पार्लर बहुत चलता है, हम हलवा एक दुकान बंद करके लाओ ब्यूटी पार्लर खोल। घोड़े का बच्चा जो होता है वो तेज दौड़ सकता है, बंदर का बच्चा पेड़ में चढ़ सकता है। अगर घोड़े का बच्चा ये सोचे हम भी अपने बच्चे को पेड़ में चढ़ाएंगे तो न साला दौड़ पाएगा न पेड़ में चढ़ पाएगा। इसलिए अपनी क्षमता को जानो और अपना जो जी करे वो करो, पहले तो पढ़ाई पूरी करो। हम तो एक मान लो मौका है कि बिना पढ़े, लेकिन अब बिना पढ़े आदमी चौकीदार भी नहीं रखता, ड्राइवर भी नहीं रखता, पढ़ाई बहुत जरूरी। हेलो गूगल, हम ये कह रहे हैं मेरी पत्नी का टमाटर आलू खाने का मन है और टमाटर है नहीं, बताओ बिना टमाटर के टमाटर की सब्जी कैसे बनाए। गोला घूम रहा, गोला घूम रहा। बिल्कुल चूतिया हो क्या, अगर बिना टमाटर के आलू टमाटर की सब्जी बनानी आती तो पहले मैं अपनी अम्मा को ना खिलाती क्या? सेवाएं लेने के लिए धन्यवाद। बहुत बदतमीज लड़की बैठा ली, बताओ कह रही बिल्कुल चूतिया हो क्या। तैरी खाओ, तैरी खाओ, नहीं बन पाए उतिया चूतिया बनवा दियो मैं। अच्छा भैया, आपने कई फिल्मों में भी काम किया, सीरियल्स में आपने काम किया, भाभी जी घर में है इस तरह से, तो और क्या क्या मतलब थोड़ा सा इस विषय में बताइए कि कैसे उस लाइन में जाना हुआ आपका, कैसे मतलब संपर्क हुआ। बम्बई में रहें तब उन मौज में रहें, कानपुर में रहें तब उन मौज में रहें। दरअसल जब हमारा ये ऑडियो आया लड़के का जनेऊ वाला, तो ये अभी बहुत जोर वायरल हो रहा था, हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा, चलते फिरते लोग कह रहे हैं भाई इन्हीं का इन्हीं का इन्हीं का, तो लग रहा था कुछ तो हमने कर दिया है। उसी समय महीने भर के अंदर सभासदी के चुनाव आ गए, तो अभी हमारे लड़के का जनेऊ का चल ही रहा था, तब तक का हमने एक ऑडियो और निकाल दिया कि जब सब चूतिया लड़ रहे हैं तो हम लड़ो, हमका ना चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा चाहिए, ना हाथी चाहिए, ना साइकिल चाहिए, हम चुनाव चिन्ह ना तो नहीं लेंगे, जीतने के बाद ना हम सड़क बनवाएंगे, ना नाली साफ कराएंगे, ना बत्ती, बद मोहल्ले की जो करिया करिया भाभी हैं उनको ब्यूटी पार्लर भेजने की व्यवस्था करेंगे, और जो नाटी नटुल्ली भाभी हैं उनको हम हीलदार चप्पल देंगे, लेकिन ये सब जीतने के बाद। अब ये भी उतनी जोर वायरल होने लगा, तो उससे क्या हुआ, हमको बिग बॉस से फोन आ गया। वो लोग यही देखते हैं कि कौन इस समय चल रहा है, बिग बॉस से फ़ोन आ गया। हमने तैयारी करी, पहुंची, अभी हम बिग बॉस की तैयारी कर रहे थे तब तक का भाभी जी से फ़ोन आ गया। बिग बॉस और भाभी जी के कुछ ही अंतर में एक दिन फ़ोन आया कि श्वेता सिंह जी आपके साथ एक इंटरव्यू करना चाहती, तो ये सब कुछ एक साथ होता चला गया। उधर हम भाभी जी जब करके आए तो उत्तर प्रदेश के दर्शकों ने हमारे सीरियल को उस हद तक देखा कि उसकी टीआरपी बिल्कुल आसमान छू गई, एक नए दर्शक बढ़ गए भाभी जी के लिए। फिर श्वेता सिंह जी के साथ जो हमने इंटरव्यू किया तो उसी समय हमारे पिताजी ख़त्म हो गए, तो लेकिन क्योंकि था तो मतलब हम तो गंभीर थे, लेकिन उन लोगों को लग रहा था हंसी मजाक चिकाई कर रहे, जो वो इंटरव्यू भी खूब पसंद की, और जो वो था बिग बॉस तो उसमें भी हम आखिरी किनारे तक पहुंच गए, लेकिन फिर अनूप जलोटा जी और जैसलीन जी की एंट्री होनी थी, हमको बाहर का रास्ता देखना पड़ा। तो ये सब होता क्या है कि जैसे हम कुछ लोग कहते हैं अब भी आते हैं यार बिग बॉस के लिए ट्राई करो, ट्राई करें तो कुछ नहीं मिला था, हम गदर थ्री के लिए ट्राई करी तो मिल जाएगा, जेकर रखना है जब तक उसकी नज़र ना पड़ी, उसकी नज़र पड़ेगी तब जब आप वायरल हो रहे हो। घर बैठे आप पुताई करोगे तो नहीं, जब तक बाहर नहीं पोतोगे बिल्डिंग तब तक कोई देखेगा नहीं, तो जब तक आप दिखाई नहीं पड़ोगे आपको मौका नहीं मिलेंगे। हमको तो परमट वाले बाबा पंजी वाले बाबा ने मौका दिलाया, हम तो कोई बहुत विशेष न मेहनत किया न स्ट्रगल किया न हम अपने आप का कलाकार माने, तो इसके बाद हम 3-4 टीवी सीरियल और 3-4 पिक्चर कर चुके हैं, बाकी अभी संघर्ष जारी। देखो आज आप पे आ गए, यह भाग्य की बात है। अभी पिक्चर कोई आने वाली है आपकी? सारी अयोध्या पिक्चर आने वाली हमारी दिसंबर में, अच्छा। लगभग कंप्लीट है, उसके बाद आएगी गैंगस्टर का लव, फिर एक लगी है रॉक द पार्टी, 3 पिक्चरें लाइन से लगी, अच्छा। ये टाकीज में रिलीज होंगी। बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिलकर, बहुत ही खुशी, धन्यवाद आपका।